इसे देख के स्काई बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये मेरा पीछे खिड़की का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं जा रहा हूँ टाउनशिप एरिया में, तो वहाँ पे जाके भी थोड़ा कुछ साइड व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। तो बस बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए एंड तक। तो हम लोग टाउनशिप जा रहे हैं, और रास्ता जाता है सीधा सिटी सेंटर और पौरसभा हल्दिया जो कोर्ट है उसमें, और एक जो बिग बाजार है, और बाद में एक ब्लॉग बनाएंगे बिग बाजार से जाके, ठीक है। रहा दुर्गा चौक स्टेशन, ओके। काफी पूरा जाम हो गया है। जो लाइट दिख रही है, जो आग चल रहा है, ये इलाका अच्छा लग रहा है, कभी बुझा नहीं आता है, और तीन बार से चलता रहता है। बोल लिया है, एक पहचान है, इसमें कुछ गैस निकलता है जो हमेशा चलता रहता है कंटिन्यूस। तो फाइनली हम लोग पहुंचे हैं, अभी कितना दूर बचा है, अंधेरा हो गया है, और ये है इंडस्ट्रियल सिटी हल्दिया। हल्दिया, ओके। तो हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये जो हल्दिया है इंडस्ट्रियल सिटी है, और यहाँ पे चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो जगह बहुत खूबसूरत है, और वो एक ही जी एक जगह है जहाँ पे हम थोड़ा आराम से बैठ सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खूबसूरत जगह है। और हम लोग अभी बहुत लेट करके पहुँचे, और पहले क्या हुआ, मैं रूम से निकला था 5 बजे, और फिर मैंने एक बस पे चढ़ा तो वो बस यहाँ तक ना ही आएगा, तो इसीलिए मुझे फिर से उतर के दूसरा बस पकड़ना हुआ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा, और यह बस डिपो हल्दिया का, और यहाँ से सारे बस निकलते हैं। हम लोग जब जाएंगे तो यहीं से कुछ एक बस पकड़ना होगा। तो यहाँ से मेछादा के लिए बस निकलता है, कुकड़ाहट्टी के लिए, और भी बहुत सारे जगह है, तो यहीं से बस निकलता है। अभी जिस बस का टाइम नहीं हुआ है वो अभी खड़ा है, जिसका टाइम होगा वो निकल जाएगा। तो अभी तो बहुत खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, और अभी इवनिंग हो गया तो और भी अच्छा हुआ, ताकि हमको नज़ारा और भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत नज़र है, और यहाँ पे शायद एक सोलर पड़ा हुआ है कि इसलिए पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सोलर है। अच्छा, ये सोलर इस दुकान का है, देखिए भाई साहब, ये यहाँ पे सोलर लगा के यूज कर रहा है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइडलाइन दिख रहा है हमको, गाइड मैप ऑफ CL 10-12 IOCL। अच्छा, यहाँ पे देखिए रोड का कुछ मैप दिख रहा है मुझे, मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे तो गाइस अभी से देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन शेड है, और ये जो पेड़ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अभी अंधेरा हो रहा है, तो मेरा रेजोल्यूशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कैमरा काम। और ये देखिए इंडियन ऑयल मैनेजमेंट एकेडमी, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओहो,
देखिए ये स्काई का कलर और ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, सच में बहुत बढ़िया है। ये देखिए हम बस पहुंच ही गए, और थोड़ा सा 200 मीटर्स और ज़्यादा है, और कुछ नहीं। ये देखिए स्वामी जी का एक स्टैचू है, और ये गेट इसका अतिथि गृह गेस्ट हाउस हल्दिया रिफाइनरी बहुत खूबसूरत है। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच ही गए हैं। हाँ, डेस्टिनेशन हम लोग का डेस्टिनेशन यही था घूमने का। और एक्चुअली कुछ दिनों से प्लान चल रहा था कि हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी तक आने का मौका नहीं मिला, तो आज ही मिला है। और ये साइड में बजरंगबली का बहुत बड़ा स्टैचू है, दिखाता हूँ अभी। ये देखिए ये एक है, और ये देखिए भाई साहब बहुत खूबसूरत है, क्या बात है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे घूमने आए हैं। ये है रिवर साइड, और अभी अंधेरा हो चुका है तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। अब और ये है पाथवे, हम लोग इस तरह से जा सकते हैं। और यहाँ पे जो लैम्प पोस्ट है इसमें लाइट लेकिन चल नहीं रहा है। अरे यहाँ पे तो मेला जैसे भीड़ लग रहा है मुझे, बहुत लोग हैं। और ये देखो यहाँ पे एक स्टेयर केस है रिवर साइड में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए महाभारत का एक सिनारी, पार्थ सारथी कृष्णा जी चैरियट लेके जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। इधर साइड बहुत बढ़िया नज़ारा है, बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है हमें, देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ है रास्ते पे, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इसको मैं पूरा तो दिखा नहीं पा रहा हूँ। इस साइड पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। यहाँ से थोड़ा सा पूरा दिखा पाऊंगा शायद। ये देखिए यहाँ पे देखिए कॉर्न दिख रहा है मुझे, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये वाला स्वीट कॉर्न 30 रुपीज़, और ये 20 रुपीज़ प्लेन कॉर्न। ये देखिए मेरा स्वीट कॉर्न मिल गया 30 रुपीज़ का, और ये मुझे बहुत पसंद है खाने का, जब भी मैं देखता हूँ इसे मैं खा लेता हूँ। यहाँ पे मोमो भी दिख रहा है, और जाके पूछेंगे कितना है प्राइस। और यहाँ पे अमूल का आइसक्रीम भी मिलता है, बहुत बढ़िया। और बहुत दिनों के बाद ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो बहुत खूब, मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आ सकते हैं, मैं रास्ता बता दूंगा कहाँ से कहाँ जाना है। छवि तुला ना तो दिन से लगाओ बोल नाम बोल। तो हम लोग अभी बैठे हैं बस किनारे पे, इस साइड का किनारा, और ये रहा इस साइड का। हम बस बैठे हैं और डिसाइड कर नहीं कर पा रहे कि हम लोग क्या खाएंगे, क्या मोमो खाएंगे, क्या चाउमीन खाएंगे, और क्या खाएंगे देखते हैं। और मेरा स्वीट कॉर्न तो खत्म हो गया।
ये रहा एक चाउमीन का शॉप, और यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कितना प्राइस है, कितना है। तो गाइस अभी मैं ये ब्लॉग एंड करने जा रहा हूँ, अभी हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिए, अभी हम जा रहे हैं, अभी हम रूम जा रहे थे से वापस, अभी टाइम भी बहुत हो गया है, फिर हम लोगों का जाने का तकलीफ होगा, बस मिलेगा कि नहीं। तो फिर से वही जगह से हम निकल रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया है, शायद कोई जा ना सके। एक्चुअली टोटो जो है ना वो बहुत सारा कहीं भी चला जाता है। तो ये रहा हमारा बजरंगी का स्टैचू, और हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर से हम लोग बस डिपो पे आ चुके हैं, यहाँ भी हम बस पकड़ेंगे जाने के लिए, और हम लोग पहुँचेंगे चैतन्यपुर। तो देखते हैं कौन सा बस, अभी एक बस निकल रहा है शायद, और भी एक बस जा रहा है, बस तो मिल ही जाएगा ना, ये इंडस्ट्रियल सर्विस है। अच्छा यहाँ पे एक मंदिर भी है, साईं बाबा का मंदिर। यहाँ पे एक मंदिर है, अभी शायद पूजा चल रहा है। चलते हैं अपना घर, कौन सा बस जाएगा देखते हैं। अभी ये वाला बस कर लेंगे जाने के लिए। Yeah.